हेलो जी, नमस्कार सर। नमस्कार, कौन आपसे मिलना चाह रहे हैं सर? कहाँ हैं सर आप? कौन आप बोल रहे हैं? सुमित श्रीवास्तव बोल रहे हैं सर, जगदेवपुर। जो उस दिन अमित साथ मिलने गए थे। हाँ, आज इसको आप बाहर करवा दिए थे, ताकि हम अपराधी आदमी थे, हम हत्या कर देते अमित शाह का, है ना? आपका आंख लाल लाल था, आप ड्रिंकिंग किए हुए? नहीं, मेरा आंख चोटिल था, इंजुरी कराए थे। आप ले मैंने ऐसा बात नहीं कीजिए हमसे, इंजुरी है मेरे पास। नहीं समझे सर, आप सुनिए ना, अभी हम यहाँ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में सीसीटीवी फुटेज के लिए देवेंद्र सर है, महामंत्री हमारे, उनको भी मैंने बोला कि सर पुलिस को भी सहयोग नहीं किया जा रहा, फुटेज नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने साफ साफ हमें कहा कि पुलिस और डीएसपी एजेंसी को पता नहीं है कि यहाँ कौन पकड़ मार है और कौन नहीं है। वो लोग अभी तक पकड़िए नहीं रहा चोर को, उल्टे फुटेज जाके क्यों नहीं देख रहा है वो लोगों? कोई तो मना नहीं किया है। आपकी आई मेरे घर आए थे, हमसे गवाही ले लिए, तुमको बयान नहीं लिया सर। अरे कम से कम रोको उसको, डांटो। चुपचाप कहीं का सर, हम आपसे मिलना चाहते हैं सर। खत्म ड्राइवर, फिरेगा किसी का सर? हम मिलना चाहते हैं आपसे। मैं गाड़ी नहीं चला रहा हूँ, लेकिन फिर भी देख रहा हूँ कि कौन किसी स्थिति में है सर। हम रुकना है, टोकना है, डांटना है सर। हम मिलना चाहते हैं आपसे सर। क्या कहेगा, सब फालतू फालतू आ गया है, सबको हटाना पड़ेगा, हमको भगाना पड़ेगा। हेलो सर, आपसे मिलना चाहते हैं सर। हमसे? जी सर। मिलने का मेरे पास टाइम नहीं है तो सर। तो मेरा चोर को पकड़ के पॉकेट मराया है सर, उसका एटीएम उठे सर दे दिया जाए सर। फोन आप फोन रखिए, फालतू को फोन हमको मत करिए। हम फालतू कर रहे हैं, आपका पटना पुलिस जहाँ माँ बहन का गाली देता है, हम करिएगा तो कैसा लगेगा सर? आप डीएसपी इतना मार मारेंगे ना, इतना मार मारेंगे आपको तो रहा है सर। डीएसपी को झाठों ने पूछते हैं सुमित श्रीवास्तव। ऑडियो जो आपने सुना है, यह ऑडियो एक जो नेता है जो अपने आप को भाजपा के नेता बताते हैं, और यह भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं किसे? पटना के टाउन डीएसपी को, अशोक कुमार को भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले बिहार दौरे पर अमित शाह आए थे, उसी दौरान सुरक्षा में तैनात पटना के टाउन डीएसपी तैनात थे, वहीं पर अपने आप को यह नेता बताते थे, और नेता बताने के कारण कह रहे थे कि हमें अमित शाह से मिलना है। उसी दौरान सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखते हुए पटना के टाउन डीएसपी ने उन्हें रोका और उनसे मिलने नहीं दिया जाने गया, जिसके बाद कुछ दिनों के बाद यह जो व्यक्ति हैं इन्हें पटना के टाउन डीएसपी को फोन करते हैं, और फोन कर इनके द्वारा भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही हैं। सुरक्षा में तैनात किया गया था टाउन डीएसपी को, और अमित शाह का सुरक्षा इन्हें देखना था, और इन्हें उस आदमी पे शक हुआ, उनकी आंखें लाल थी, जिसके कारण यह टाउन डीएसपी ने उन्हें जाने से रोका, जिसके बाद यह घटना हुई है इनके साथ। तमाम ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें DHD न्यूज़।